हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो हम अभी आए हैं उंगल लेक, हम जा रहे थे ग्लास हाउस। ग्लास हाउस में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है तो हम आए हैं उंगल लेक, और उंगल लेक में हम थोड़ा सा यहाँ से शूट करेंगे। वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस है हुबली धारवाड़ का। तो यहाँ पे ऐसे गार्डन जैसे है और ये लेक है, लेक का नाम है उंगल, और उसके बाजू में थोड़ा सा गार्डन, छोटा सा गार्डन बनाया है। बोटिंग वगैरह अभी बंद है क्योंकि यहाँ भी सब टूट गया है, बट गार्डन है। गार्डन में आके लोग यहाँ व्यू देखते हैं सनसेट का वगैरह। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने तो ऑलमोस्ट स्टार्ट कर ही दिया है। तो आगे का यहाँ से ओपन है, यहाँ पे खेती लगाई है क्योंकि मैं उधर से आ रही थी उस साइड से, तो यहाँ कुछ लगाया है। और उस साइड ये लगाया है, क्या बोलते उसको, लोटस है शायद से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लगाया है, जाली लगा के वहाँ रखी है। और अभी भी पानी में बदक है और अभी सनसेट होने वाला है क्योंकि अभी बज रहे शाम के 5:30। तो बोटिंग तो बंद है, वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ये गेट क्लोज करके रखा है। बट यहाँ पे प्राइस मेंशन थे, फोटो मतलब प्राइस मेंशन किए, यानी बोटिंग चालू थी, बट ये बंद करके रखा है अभी। अभी बाकी पूरा गार्डन घूम के दिखाती हूँ। ये है यहाँ का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के बाद यहाँ पे डायरेक्ट कैंटीन है और यहाँ छोटा सा गार्डन है। अभी हम वॉक करके जाएंगे, यहाँ से कट नहीं है, उधर से जाना है। और यहाँ की टिकट है 10 रुपीज़ पर पर्सन और पार्किंग की है 5 रुपये टू व्हीलर की, 4 व्हीलर की आई डोंट नो। तो वहाँ से वॉक करते हुए हम आए हैं इधर, यहाँ दिखाने के लिए कि यहाँ पे लगाए हैं फ्लावर्स के झाड़। आई थिंक ये कमल के फूल है या फिर कौन से, तो यार मुझे बायोलॉजी पढ़ लेना चाहिए थी, बॉटनी पढ़ लेना चाहिए थी, मेरे को पता चलता। और वो सन कितना सुंदर लग रहा है, वाओ, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। ये फाउंटेंस लगाए हैं बट अभी चालू नहीं है, रात को चालू हो जाएंगे, देखते हैं। वहाँ पे मंदिर है और ये रोड से हम आए हैं। ते बतक मग तिथं, ते बतक ते तिकडे पाण्यात आहे, इकडे गेले होते ते तिकडे आहेत ते बतक। साइड का घूम के हो गया है अभी। तो अभी हम चलते हैं उस साइड जहाँ एक्चुअल थोड़ा छोटा सा गार्डन है और जहाँ से हम व्यू एंजॉय कर सकते हैं सनसेट का। वहाँ पे ऐसी बनाई है जगह जहाँ से हाइट पे है, तो वहाँ से व्यू एंजॉय कर सकते हैं सनसेट का। तो वहाँ चलते हैं। ये जो मेरी पायलुक की छवि है, और यहाँ बहुत अच्छे पेड़ है बड़े बड़े, वहाँ चिड़िया चू 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 कर रही है। आवाज़ तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं आ रहा होगा, पर आ तो रहा है, आवाज़ आ रहा होगा चिड़िया का। अभी भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ टूटा फूटा है वहाँ पे। अरे वाह, कौवे है इस पेड़ पे। वो मुझे रेड और येलो फ्लावर ना बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो दो येलो फ्लावर लगे हैं वहाँ पे और साइड में रेड फ्लावर, अच्छा लग रहा है ना। ये बोट्स बंद पड़ी यहाँ। यहाँ और फाउंटेंस रखे हैं बट ये अभी कनेक्ट नहीं है, ऐसे ही रखे हैं, कनेक्शन लगने का है शायद से, पैक करके रखे हैं। देखिए एक्चुअल में फाउंटेन होते कितने बड़े हैं और हम देखते हैं तो बस वो जितना पानी है उतना ही दिखता है हमें ऊपर का। और वो है
ये है धारवाड़ रोड और वो है होटल नवीन, 5-स्टार होटल है, अभी अभी नया नया बना है और उसका नाम भी वैसे ही है नवीन होटल। यहाँ पे पड़ी है बन बोट। अभी थोड़ा डेवलप कर रहे हैं इसको। पंछियों का बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। तो हम अभी जाएंगे इसके ऊपर ताकि हम अच्छे से पूरा व्यू शूट कर सके। यह है गार्डन। यह फोटोशूट भी चल रहा है। और उधर भी गार्डन है, पहले हम इधर चले जाते हैं। पानी कितना गहरा दिख रहा है, बाप रे, डर लग रहा है मुझे। और ए भी बता, यहाँ पे देखो आवाज कितना जोर से आता है, जोर से आवाज आता है। यहाँ फिर से और कुछ तो भी बनाया है प्लांटेशन का। कुछ तो भी गिरा वहाँ पे, मछली रॉड गिरा नहीं, ऐसा कुछ उछला मछली। आज ये मछली का ही कुछ है। ये व्यू कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ के आसपास पास तो घूमने ज़रूर आइए। तो ये है सनसेट होने का टाइम, मतलब अभी हो ही जाएगा ना, ऑलमोस्ट आधा 15-20 मिनट में सनसेट शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप पूरा व्यू देख सकते हैं। सनसेट हो गया है, देखते 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 सनसेट हो गया है। और ये चिड़ियों का शोर, ऊपर से एम्बुलेंस का शोर, मेन रोड है, चलते ही रहेगा। मैं थोड़ा रील बनाने में बिजी हो गई थी इसलिए सनसेट हो गया है। तो अभी हम सनसेट का तो मज़ा ले चुके हैं और आपको भी दिखा चुकी हूँ। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप रील देख लेना, रील हमने बनाई है। तो अभी हम चलते उस तरफ, उस तरफ क्या है वो देख लेते एक बार। तो यहाँ का शूट करके हो गया है, अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि बाकी का गार्डन घूम जाए, फिर उसके बाद घर में जाते हैं। तो हम जा रहे हैं नीचे। Where is my glass? Where is my sunglass? In my pocket. ये सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियाँ देखो कितनी छोटी छोटी से। माहित है माझा पाय नाही मावत होता, स्पायरल स्पायरल सीढ़ियाँ आहे म्हणतात, स्पायरल म्हणतात त्याला। पकडा बरं असं, असं पकडा। हे पहा आता मी दोन दोन व्हिडिओ करत आहे। एक पायरा दाखवते। हे दाख। हे बघ सीधा पाय नाही मावत, बघ याच्यावर। माझा अर्धा पाय बाहेर चाललाय। अरे बाप रे, एकदम एवढं छोटे आहे ते। हाय चक्क 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 हूँ मैं। और हम आ गए हैं फाइनली नीचे। और नीचे है एक ऐसा, क्या बोलते हैं इसको, इसके ऊपर से हम अभी आ गए नीचे। नीचे में बहुत गंदा है, गंदा है, पेंट वेंट नहीं किया है। ओ बंदक, देखो देखो वो दोनों साथ में जा रहे हैं, मिलते हैं। ओले बाबले, ओले बाबले, जाओ 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 जाओ, दोनों गए गए।
वहाँ जाके रास्ता चेंज कर दिया, वो उसके साथ में वापस आया। मुझे लगा वो वाला सीन नहीं क्या, लड़की दौड़ दौड़ के आती है, लड़का दौड़ दौड़ के जाता है, पिक्चर का सीन वैसा होगा कुछ, पर नहीं हुआ। चलो लेट इट बी, पर साथ में है दोनों, खुश है। ए माजे डॉकर छी, ए मच्छर नहीं है, गिनी मिनी है, गिनी मिनी। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। क्या नहीं भूलना तेरे को। ऐसे ही हमने टाइम पे प्लान बनाया, चलो यार घर में बोर रहे आज है, बोर रहे घर में बोर हो रहे थे। अरे नहीं, इन्होंने ये वाले फ्लावर्स लगाए हैं, मैं तो वही तो सोचू जो वहाँ पे लगे, देखो उसमें फ्लावर लगा है रेड वाला, तो इन्होंने उसके पौधे लगाए हैं। ये क्या पानी में लगते हैं, शायद से लगते होंगे, वहाँ पे भी तो लगाए हैं, तो इसके आगे चल के देखते हैं और क्या है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आप मॉर्निंग में वॉक करने के लिए आ सकते हैं, यहाँ से भी ओपन करके रखा है। और मैं फाउंटेन का वेट कर रही हूँ, फाउंटेन कब चालू होगा, फाउंटेन चालू होगा तो वो भी शूट कर लेंगे। बहुत सारे पंछी है, बहुत आवाज़ें आ रही है, चू 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 चू। यहाँ पे भी ऐसा दिया है बैठने के लिए स्पेस, मतलब आप भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से। अभी ऐसा ही कुछ फुटाला में बन रहा है नागपुर में, ऐसे बैठने के लिए स्टेयर्स, यहाँ से आप फाउंटेन का मज़ा ले सकते हैं, पर अभी काम चालू है, काम ख़त्म होने को टाइम है। यहाँ पे भी मतलब स्टेज जैसे दिया है बैठने के लिए, खिलौने सारे निकाल के रख दिए हैं, मूर्ति को भी पैक करके रखा है, मूर्ति किन की है मुझे पता नहीं, बट उसको पैक करके रखा है, दिख नहीं रहा शायद से, मूर्ति को पैक करके रखा है। यहाँ से जाए वहाँ से जाए, वहाँ बोटिंग्स वगैरह बोट्स वगैरह निकाल के रखी है, इधर से ही चलते हैं। अभी हमको बाहर ही जाना है, कुछ खाएंगे, खाएंगे घर में हम बनाने वाले स्पेशल पानी पूरी, गाजर का हलवा, और देख लेते हैं। हाँ वो उधर जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से है ना, जा सकते हैं उधर। चलो घूम तो लेते ही हैं यार, पूरा मेरा फोटो निकाल दो ना यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं इधर उधर उधर उधर, और यहाँ पे इधर उधर उधर इधर, यहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा है, पुरानी बोट्स पड़ी है, मतलब पहले बहुत अच्छा गार्डन होगा मुझे ऐसा लगता है था, बट अभी बहुत खराब हो गया है। अभी करना चाहिए इन्होंने डेवलप, क्योंकि ये पैसे ले रहे थे, कुछ तो डेवलप करना चाहिए ना। नहीं करेंगे ये लोग, क्यों नहीं करेंगे, चल रहा है ना फाउंटेन वगैरह लगा रहे, तो कुछ ना कुछ करेंगे यार, प्लीज करा दो यार, इतनी अच्छी जगह है, वो भी हाईवे पे। ये देखो एक और बोट है इधर, बहुत बड़ी बड़ी बोट है यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी बोट, बड़ी बड़ी, क्या घुसो उसके अंदर फोटो निकालते हैं, कचरा पड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी बोट। मैं तो जाऊंगी, मैं तो टाइटैनिक वाला पोज दूंगी इसके ऊपर जाके। स्टेज बनाए हुए पालाचे कांदे, ए पालाचे कांदे नहीं है, मका है, कौन तो तरी जंगली घास है, मच्छर जास्त असतील इथे, मुझे लग रहा है डर, क्योंकि कुत्ते का नहीं डर लगता, क्योंकि ना ये कि बहुत ज्यादा कचरा है यहाँ पे, मैं नहीं रुकती यहाँ पे, चलो मैं भाग रही हूँ यहाँ से। कुत्ते बिल्लियों की आवाज़ मत निकालो, इधर भी वैसा ही है, छोटू वाला पैर ही नहीं पुरता, पुराना ही है, बहुत लंबा है, उतना लंबा कहाँ जाएंगे रात के समय पे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बहुत बड़ा है यार, उधर कुछ नहीं है, ऐसे ही मॉर्निंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए बनाया है, गार्डन गार्डन कर दिया है उधर। जैसे वो बेट्टा में बनाया है ना गार्डन गार्डन वॉक करने के लिए, समथिंग टाइप। ते देखो शोरूम नेक्सा, नेक्सा हां मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी नेक्सा, और ये ब्रिज कौन सा, ब्रिज क्रॉस करने के लिए ब्रिज है वो, BRTS का बस स्टैंड है वो। हां तो ब्रिज है ना, लोग इस साइड से उस साइड जा सकते हैं ना इससे। देखो ये क्या है, एक पुतला है, कैसा खड़ा है। ए हालो ना को कैमरा थम,
शूट करने दो, गौर से देखो कोई तो भी है वहाँ पे, गौर से देखो। कुछ नहीं है, वो तो झाड़ की सूखी पत्ती है, और दूसरे में दूर से वैसा ही दिख रहा था। तो अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि अभी रात का समय हो गया है, फाउंटेन का कुछ पता नहीं है, और हम निकलते हैं अभी क्योंकि रात हो रही है और यहाँ पे लाइट्स नहीं है, अंधेरा हो जाएगा, फिर मच्छर कीड़े का कुछ पता नहीं चलेगा, और कीड़ों से लगता है डर, और यहाँ पे पानी में बहुत सारे कचरा है, और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है, तो हम उस साइड जाते हैं। चलो पिसलो, बसली बतख बसली, लाऊ पटिसलो पच असते पोरांनी खेळून खेळून केली, लवकर चल मच्छर येतात, माझ्या डोक्यावर नाचून राहिले मच्छर। हा ये जस यायचे तसं ये, गजरंपट्टीवर घसरत आली। वैशीच्या डोळ्यात मांजरचे डोळे दिसून राहिले। तो हम जा रहे हैं बाहर, तो ये थी हमारी यहाँ की जर्नी, और अब हम जा रहे हैं घर, और अंधेरा हो गया है और यहाँ लाइट्स नहीं है, और हम हैं अभी पार्किंग में, और ये रोड पीछे कितना रश है, चलता है कंटिन्यू चलता है। सो अभी हम जाते हैं घर, और घर जाते हैं, बीच में कहीं रुकेंगे तो शूट कर लेंगे, अभी गारंटी नहीं होती यार, टाइम पे मूड चेंज हो जाता है, तो चलते हैं देखते फिर रास्ते में कहाँ रुकना होता है। तो और ये है द प्रेसिडेंट होटल, वन ऑफ द 5-star होटल इन हुबली। ओ क्या हुआ, त्यांनी थांबवलं कशाला आपल्याला? इस वीडियो को यही स्टॉप करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।